Hello guys, welcome back to the cartoons. This is the sporty version of normal Creta. So compared to normal Creta, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें additional मिल रही है and should you buy it over normal Creta. So आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. So let's start with the video. So video start करने से पहले आज हम लोग हैं दावणगेरे के KJ Hyundai के शोरूम में. अगर आपको कोई भी Hyundai का प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके शोरूम पे विजिट कर सकते हैं. सो सबसे पहले अगर हम लोग इसके वेरियंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो वेरियंट्स मिलेंगे, N8 एंड N10 आपको, और दोनों में ही आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा या फिर 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलेगा. सो सबसे पहले इसके डिजाइन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन मिलता है. लाइक कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा दिस लुक्स टोटली डिफरेंट. जब आप इसको रोड पे देखोगे ना तो आपको एकदम डिफरेंट फीलिंग आने वाली है. एंड ऑल्सो इट लुक्स लिटल बिगर देन नॉर्मल क्रेटा, हल्की सी बड़ी दिखती है. वो अभी हम लोग साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो फ्रंट से हम लोग शुरुआत करें तो फ्रंट में ये आपको एक डिफरेंट लुक्स मिलते हैं ग्रिल के. यहाँ पे आपको छोटी ग्रिल है, उसके बाद ज्यादा अग्रेसिव लुक है गाड़ी के यहाँ पे आपको आने वाली है. सो यहाँ पे आपको डिटेलिंग में बात करेंगे तो सेंटर में आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है सिल्वर कलर में. उसके अंदर ही आपको ये कैमरा मिल जाता है फॉर द 360 डिग्री व्यू. यहाँ पे पूरा आपको कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं, LED. यहाँ पे आपको LED टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं. यहाँ पे पूरा आपको पियानो ब्लैक फिनिश का ये पूरा है नहीं कि पूरा ट्रीटमेंट मिल जाता है. और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आपको N लाइन की ये बैडजिंग मिल जाती है. इधर यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं. यहाँ पे देखेंगे तो LED हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है. बाकी इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरा आपको एक अच्छी सी ग्रिल मिल जाती है. बाकी इधर देखेंगे तो ये लेवल 2 के अडास के लिए यहाँ पे आपको रडार मिल जाता है. ऊपर डैशबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर कैमरा भी मिल जाएगा. सो लेवल 2 का अडास के लिए तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट्स मिलते हैं. सो कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन यहाँ पे हेडलाइट्स इंप्रूव हुए हैं, मतलब हाई बीम एंड लो बीम दोनों में भी यहाँ पे आपको लाइट्स इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं. बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो थोड़े थोड़े यहाँ पे आपको स्पोर्टियर वर्जन होने के नाते रेड यहाँ पे आपको एक्सेंट मिल जाएंगे. सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट लुक. अब बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की. सो साइड से यार लाइक कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा इट लुक स्लाइटली बिगर बिकॉज ये सब जो चीजें यहाँ पे मिलती है ना हल्का सा बड़ी कार वाला फील देने वाले हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको ये नीचे की तरफ रेड ट्रीटमेंट मिलता है ना ओवर द कार, फिर ये ब्लैक कर दिया गया है. पूरा भी एक नमूना अच्छा दिखता है, ये नमूना स्पोर्टी दिख जाता है. बाकी इसके टायर प्रोफाइल से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको 215x55R18 inches के डायमंड कट डिजाइन में यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. बाकी चारों टायर्स पे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, पूरा आपको क्लैडिंग मिल जाता है. बाकी यहाँ पे एन लेन का बैडजिंग मिल जाता है. इधर वॉरवेम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल वॉरवेम्स मिल जाते हैं विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स. यहाँ पे नीचे आपको इंटीग्रेटेड कैमरा फॉर द 360 डिग्री व्यू. इसके नीचे आपको यहाँ पे पेडल लैंप्स भी मिल जाते हैं. बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे मिरर में आपको लाइन असिस्ट का भी यहाँ पे आपको फीचर दिया गया है. सो वो एक काफी अच्छी बात है, मतलब लेवल 2 के अडास के सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं. बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ये एक स्पेशल कलर यहाँ पे आपको एन लाइन में लॉन्च किया गया है. बाकी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लास ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाते हैं. बाकी इधर आपको फ्यूल टैंक्स मिल जाती है, इधर नीचे आपको पूरे रेड एसेंट्स मिल जाते हैं. बाकी ये पूरी कनेक्टेड क्लैडिंग आपको मिल जाती है. सो ये था इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल. अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की. सो रियर से भी यार ये कार इतनी सुंदर दिखती है बिकॉज यहाँ पे ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट आपको नीचे की तरफ मिलता है एंड द रियर बम्पर इज डिफरेंट. सो ये वाला पूरा सेक्शन डिफरेंट है एंड विद द स्पॉइलर एंड ऑल यहाँ पे आपको एकदम अग्रेसिव लुक्स मिलते हैं. सो मुझे तो ये कार लुक्स के मामले में कार ये बहुत बढ़िया लगी. बाकी डिटेलिंग में रियर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अंदर की तरफ Hyundai का लोगो मिल जाता है. पूरा कनेक्टेड यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं. बाकी रियर वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, रियर वॉशर, यहाँ पे आपको हाई स्टॉप ब्रेक लिट मिल जाता है. यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको शार्क पिन एंटीना मिल जाता है. बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो रिवर्स कैमरा मिल जाता है. बाकी इधर देखेंगे तो क्रेटा की बैडजिंग मिल जाती है, इधर देखेंगे तो एन लेन की अगेन बैडजिंग मिल जाती है. यहाँ पे आपको ये टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं LED में ही. बाकी यहाँ पे नीचे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं. बाकी यहाँ पे आपको अगेन रेड एक्सेंट्स में एक नमूना स्पोर्टी लुक मिल जाता है. ये रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ड्यूअल टिप एग्जॉस्ट मिल जाता है, यहाँ पे नीचे आपको रिवर्स लाइट मिल जाता है. बाकी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो ये था. सो फ्रंट से तो बोलेंगे कि अच्छा नहीं लग रही, लेकिन रियर से तो बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी. सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक. आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स. बाकी इंटीरियर में जाने से पहले एक बार इस गाड़ी के की फॉब की तरफ हम लोग नजर मार ले तो यहाँ पे आपको की को इम्प्रूव करना चाहिए था. की तो पहले की तरह नॉर्मली आपको मिल जाती है, लॉक अनलॉक, और यहाँ पे आपको होल्ड टू स्टार्ट एंड होल्ड टू टेलगेट ओपन करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं. बाकी ये पूरा आपको वैसा ही सेम मिल जाता है. सो इंटीरियर में जाने से पहले एक बार इसके बूट स्पेस से हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स टेल गेट ओपनिंग मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है, अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है गाइस। मतलब स्पेस के मामले में एक बार आप नजर डालो गाइस, इतनी बड़ी इतनी इट्स ए ह्यूज स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप अच्छा खासा सामान यहाँ पे रख सकते हो। बाकी अगर इससे भी आपका मन नहीं भर रहा, इसको भी अगर आपको इंक्रीज करना है तो 60:40 स्प्लिट सीट का फंक्शन तो है ही है, अगर आपको उसको आपको क्या भी यूज करने की नेसेसिटी नहीं पड़ने वाली है। बाकी इसमें आपको क्या क्या मिलता बोलेंगे तो यहाँ पे आपको बोस का एक सबवूफर मिल जाता है, बाकी इधर सीट देखेंगे तो लैंप मिल जाता है, इधर भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, बाकी यहाँ पे टूल किट वगैरह रखी हुई है, बाकी नीचे देखेंगे तो स्पेयर व्हील मिल जाती है। बाकी इसकी साइज की हम लोग बात करेंगे तो ये एक साइज माइनस मिल जाता है R17 inches की, यहाँ पे आपको स्टील रिम में ये स्पेयर व्हील मिल जाती है। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। बाकी एक बार अंदर के नजारे की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लुक्स आते हैं बाहर से। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। बाकी इसके सेकेंड रो से हम लोग शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग डोर खोलेंगे काफी वाइड डोर ओपन होता है, यहाँ पे देखेंगे तो सनब्लाइंड ऑफर किया गया है, सो प्राइवेसी के रीजन से धूप से बचने के लिए काफी अच्छा हो जाता है इसके वजह से। बाकी यहाँ पे पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, कुछ इस तरीके का टेक्सचर यहाँ पे मिल जाता है, पूरा सॉफ्ट टच मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, डोर पॉकेट्स देखेंगे तो काफी अच्छे खासे डोर पॉकेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे नाउ कंपेयर टू द सेल्टॉस GT लाइन, यहाँ पे ऑल वन टच अप एंड डाउन विंडो देना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर सीट आपको वो मिलता है। So, मेरे को लगा कि थोड़ा सा बेटर फीचर्स देना चाहिए था, यहाँ पे आपको सिर्फ ये ड्राइवर सीट पे मिलता है, लेकिन सेल्टॉस GT लाइन में आपको चारों विंडोज पे भी वन टच अप एंड डाउन का कंट्रोल मिल जाता है। ये यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ये डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है। बाकी इसके सेकंड कैबिन का लुक की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आती है सेकंड कैबिन। बाकी यहाँ पे नाउ कंपेयर टू द ये बाकी नॉर्मल क्रेटा से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग आने वाली है, बिकॉज एवरीथिंग हियर इज ब्लैक्ड आउट। बाकी यहाँ पे ऊपर सनरूफ अगर आप ओपन करोगे ना तो आपको वो फीलिंग तो आने वाली नहीं है, काफी मैसिव यहाँ पे आपको सनरूफ दिया गया है, वो अभी हम लोग ड्राइवर कैबिन में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पे सीट्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आपको लेदराइट सीट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 seat belts यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे हेडरेस्ट में देखेंगे तो ये पिल्लोज भी दिए गए हैं, काफी कुशनी पिल्लोज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सो वो एक अच्छी बात है। पूरा ही यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मिल जाता है विथ सम रेड एक्सेंट रेड ट्रीटमेंट, यहाँ पे देखेंगे तो आर्मरेस्ट है, इसके यहाँ पे भी आपको दोनों कप होल्डर्स मिल जाते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको फोल्ड करके आराम से 3 adults या फिर 2 adults एक चाइल्ड को बैठा सकते हो। बाकी एक बार इसकी स्पेसिंग की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो गाइस सामने की सीट अच्छी खासी एडजस्ट रहने पर भी अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस आपको है, सो स्पेस के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेग ओपनिंग एरिया अच्छा है, लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है, अंडर थी सपोर्ट भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। मतलब क्रेटा में देखो गाइस स्पेस के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बैठने का पोस्चर देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी इसके हेडरूम की भी हम लोग बात करेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको हेडरूम भी मिल जाती है, अब ज्यादा हाइट रहने पर भी कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ये लैंप्स मिल जाते हैं LED कलर में ही। बाकी इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों ही AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे पावर आउटपुट्स की बात करेंगे तो दोनों ही टाइप सी के पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है आपको। सेंटर में देखेंगे तो हम तो बिल्कुल ही छोटा आपको मिल जाता है। बाकी लुकिंग एट द विड्थ ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे आप 2 adults 1 बच्चे को आराम से बैठा सकते हो, अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो तीनों ही एडल्ट्स यहाँ पे आप पीछे की तरफ बैठा सकते हो। बाकी यहाँ पे नॉर्मल क्रेटा से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको हल्की सी क्लास्ट्रोफोबिक की फीलिंग आने वाली है बिकॉज ऑफ द ऑल ब्लैक इंटीरियर्स। बाकी आपको एक बार ये मैसिव सनरूफ को एक बार ओपन करोगे ना तो आपको वैसी कोई भी फीलिंग आपको नहीं आने वाली है। सो ये था इस गाड़ी का सेकेंड रो का रिव्यू। अब चलते हैं सामने की तरफ। तो ड्राइवर सीट के डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जैसे आप लोग डोर ओपन करेंगे काफी वाइड यहाँ पे भी आपको डोर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ही ब्लैक आउट मिल जाता है, ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस तरीके का टेक्सचर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पूरा आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है विद द रेड स्टिचिंग यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे चारों यहाँ पे आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है, वॉर मेम्स को एडजस्ट करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बोस का स्पीकर मिल जाता है, ऊपर देखेंगे तो ट्विटर मिल जाता है, डोर पॉकेट्स अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी ड्राइवर कैबिन की लुक्स की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक्स यहाँ पे आते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइवर साइड 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। बाकी को ड्राइवर सीट की बात करेंगे तो वो मैन्युअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर को एडजस्ट करने का ये स्लाइडर मिल जाता है। इधर देखेंगे तो AC वेंट्स मिल जाते हैं, इधर मैग्नेट वगैरह आपको चिपकाने के लिए मैग्नेट के जैसा यहाँ पे मिल जाता है।
बाकी डैशबोर्ड के मटेरियल के हम लोग बात करेंगे तो पूरा ही आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। बाकी और भी डिटेलिंग में अंदर बैठ के हम लोग शुरुआत करेंगे। बाकी आप जैसे ही इस कार के अंदर बैठोगे यहाँ पे आपको बहुत सी डिफरेंसेस फील नहीं होने वाली है कंपेयर टू नॉर्मल क्रेटा बिकॉज द लेआउट एंड ऑल इज सिमिलर। बाकी यहाँ पे आपको एनलाइन की स्टेयरिंग व्हील मिल जाती है। बाकी इसके कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी इधर देखेंगे तो सारे यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं, पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ये यहाँ पे सेंटर में हुंडई का लोगो मिल जाता है। बाकी इसके कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड देन टेलीस्कोपिक दोनों का ही यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिलने वाला है। बाकी इसके लिवर्स की बात करेंगे तो सारे ऑटो हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इधर देखेंगे तो सारे ऑटो वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी इधर ऊपर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ये ड्राइवर सीट के सनविजर की तरफ सिर्फ एक टिकट होल्डर मिल जाएगा। बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है, इधर एलईडी लैंप्स मिल जाते हैं, दोनों ही यहाँ पे सनरूफ को ओपन करने के बटन मिल जाते हैं। जैसे हम लोग बटन दबाएंगे ये इतना बड़ा यहाँ पे आपको सनरूफ स्लाइड होके पैनोरामिक सनरूफ, इतना अच्छा ओपनिंग एरिया है इसका, यहाँ पे काफी पूरा पीछे तक जाके यहाँ पे नीचे का ये ओपन हो जाएगा। बाकी इधर देखेंगे तो एक ग्लास एरिया इतना ओपन होएगा, अच्छा ओपनिंग एरिया है, इससे अच्छी खासी ब्राइटनेस अंदर आएगी, कोई भी आपको क्लास्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। जैसे हम लोग बटन दबाएंगे पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कोड रिवर्स सीट आपको एक मिरर मिल जाएगा, लैंप होता तो अगर अच्छी बात हो जाती। बाकी इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऊपर भी आपको एक सबवूफर टाइप मिल जाता है। बाकी इधर देखेंगे तो कुछ अलग टाइप का टेक्सचर मिल जाता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक का फिनिश मिल जाता है विद रेड ट्रीटमेंट। यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस मिल जाता है कुछ रखने उठने के लिए। इधर ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, सो वो एक काफी अच्छी बात है। बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको बोलेंगे तो ये मैप शो होता है, ये नेविगेशन का ये कंपास शो हो जाता है। बाकी इधर TPMS मिल जाता है आपको, अडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी ड्राइवर के बेसिक से एडवांस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मोड चेंज करने पर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ जाएंगे, इको नॉर्मल एंड देन स्पोर्ट्स के अलग अलग एनिमेशन आपको आते हैं। बाकी यहाँ पे ये एवरेज ये फ्यूल का इकोनॉमी शो हो जाता है। बाकी यहाँ पे इंजन टेम्परेचर शो होता है, यहाँ पे ये किलोमीटर शो हो जाते हैं। बाकी इधर देखेंगे तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी शो हो जाता है। बाकी सारे यहाँ पे आपको इंडिकेटर शो हो जाते हैं। बाकी इधर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ये भी आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ये सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड देन एप्पल कारप्ले दोनों को ये सपोर्ट करता है। बाकी एक बार इसकी कैमरा की क्वालिटी की हम लोग बात करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे नीचे बटन प्रेस करेंगे सारी कैमरा की क्वालिटीज आ जाएगी, या फिर रिवर्स गियर एंगेज करने पर भी ये पूरा कैमरा का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे अडाप्टिव गाइडेंस मिल जाते हैं। एक बार कैमरा की क्वालिटी देखो गाइस, काफी अच्छी खासी यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी मिल जाती है आपको। बाकी यहाँ पे बटन दबा के आप लोग चेंज कर सकते हो, बटन दबा के 3D व्यू को एक्सेस करके पूरा यहाँ पे स्लाइड करके पूरा ले सकते हो। बाकी यहाँ पे सारे ही आपको ये जो जो भी बेसिक से एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नॉर्मल क्रेटा की कंपेयर में। बाकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स दोनों मिल जाते हैं, सो काफी अच्छा यहाँ पे ये हवा फेंकते हैं। इधर देखेंगे तो पूरा ग्लास ब्लैक का यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। सारे ये आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट्स को ऑन ऑफ करने के बटन्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। बाकी ये पूरा यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन टाइप मिल जाते हैं। नीचे पावर आउटपुट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 180 वाट्स का एक सॉकेट मिल जाता है, बाकी एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, बाकी एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको एन लाइन का गियर शिफ्टर मिल जाता है। बाकी इधर देखेंगे तो ड्राइव एंड देन ट्रैक्शन मोड को चेंज करने के लिए स्पोर्ट्स इको वो अभी हम लोग बताए ना आपको, वो चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको एक डायल दिया गया है। यहाँ पे आपको पार्किंग का ये पार्किंग ब्रेक को एंगेज करने का बटन मिलता है, ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे वेंटिलेटेड दोनों ही आपको सीट्स फ्रंट के मिल जाती हैं, सो उसको कंट्रोल करने के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो ये भी आपको लेदराइट आर्मरेस्ट मिल जाता है। बाकी ये स्लाइडेबल होता तो काफी अच्छा होता है। इसकी स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो ये था इस गाड़ी का इंटीरियर रिव्यू, आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी इसके सेफ्टी के हम लोग एक बार बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS, हिल होल्ड एंड ऑन द N8 वेरिएंट आपको डैश कैम भी मिलेगा। सो टॉप मॉडल में नहीं है, नीचे वाले वेरिएंट में है, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आएगा। आपको N8 में डैश कैम भी मिल जाएगा, सो वो एक अच्छी बात है। बाकी इंजन की डिटेल्स हम लोग आगे बात करेंगे।
बाकी इसके इंजन डिटेल्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल इंजन ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आई फील डीजल का भी ऑप्शन देना चाहिए था। जैसे अगर हम यहाँ पे सेल्टोस जीटी लेन के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको डीजल भी मिल जाता है और बहुत से लोग इस कार को यहाँ पे लेना चाहेंगे बिकॉज ऑफ डिजाइन लुक्स एंड ऑल, बट पेट्रोल के साथ वो नहीं जाएंगे तो डीजल में भी देना चाहिए था। बाकी इसके इंजन की स्पेक्स की बात करेंगे तो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 160 पीएस, 253 एनएम का टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड डीसीटी के ऑप्शंस मिलते हैं। सो दैट्स द गुड यहाँ पे। सो ऊपर देखेंगे तो इंसुलेशन मिल जाता है, बाकी ये हुड वुड वगैरह काफी अच्छा खासा यहाँ पे हैवी हुड मिल जाता है। तो अब बात करते हैं ये आपको क्रेटा एनलेन को लेना चाहिए या नहीं। सो कम्पेयर टू नॉर्मल क्रेटा यहाँ पे 30 के एडिशनल पे कर रहे हो एंड फॉर दैट यू आर गेटिंग मोर अग्रेसिव लुक्स, बेटर स्टाइलिंग, बिगर अलॉयज, मोर अग्रेसिव लुक्स, रेड एंड ब्लैक इंटीरियर। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय हुंडई क्रेटा और आपको स्टैंड आउट करना है बिकॉज ये आपको भी पता है कि मेरे को भी पता है कि क्रेटा इंडिया में बहुत ज्यादा सेल होती है। इफ यू आर लुकिंग टू बाय क्रेटा एंड यू वांट टू स्टैंड आउट, सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय क्रेटा टोटली स्टैंड आउट। बट हम जीटी लेन से कंपेयर करें तो वहां पे आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलता है और वहां पे आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। देयर आई फील कि यहां पे थोड़ा बहुत आपको फीचर्स दिए जा सकते थे जैसे कि 64 एम्बिएंट कलर लाइटिंग, वन टच अप एंड डाउन ऑल फोर पावर विंडोज और भी बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि हेडसअप डिस्प्ले, ऐसे सब चीजें दी जा सकती थी। बट ठीक है, आप क्रेटा इटसेल्फ यार द नेम इज एनफ, सो इफ यू वांट स्टैंड आउट टू स्टैंड आउट तो आप इसके तरफ जा सकते हो। अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो आप सेल्टोस जीटी लेन की तरफ जा सकते हो। सो ये था इस गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू, आपको कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। बाकी कोई भी आपको हुंडई का प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डाउनगेरे के केजी हुंडई के शोरूम पे विजिट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी शो हो रही होंगी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।